हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं एक नई वीडियो और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में बेटा हम जो नाजिज्म और राइज ऑफ हिटलर जो टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। अभी लास्ट वीडियो में हम कर चुके थे जो आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस की कंडीशन क्रिएट हो गई थी जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, उस कंडीशन से किस तरह से बेल आउट किया था अमेरिका ने दावेस प्लान के अंडर में, उसको कर्ज देके किस तरह से उस सिचुएशन से बाहर निकालने में उसकी हेल्प की थी। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में कितनी अपमानजनक, हार्स एंड ह्यूमिलेटेड जो उसकी ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दी गई थी जर्मनी पर, और उसके बाद में उसका बहुत ज़्यादा नुकसान मतलब उसको फेस करना पड़ा था। और उसी सिचुएशन में साथ साथ में उसको जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसके बाद में वहाँ की जो जर्मनी की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल मीन सारी सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बट मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था बेटा कि इस चैप्टर का एक्चुअल में जो हीरो है वो हीरो कौन है बेटा, हिटलर। बट देखो, हमने इतना किया है, इतना पढ़ा लास्ट की दो वीडियोज़ में, पहले इससे पहले की जो दो वीडियोज़ हैं उसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ पढ़ाया। भाई नवंबर क्रिमिनल्स क्या थे, वहाँ की सिचुएशन क्या थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में ट्रीटी ऑफ वर्सलिस क्या थी, ठीक है, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में इकोनॉमिक, पॉलिटिकली वहाँ की कंडीशन क्या थी जर्मनी की और पूरे यूरोप की, ये सारी चीज़ें पढ़ी। पर अभी तक आप सोच रहे होंगे कि वहाँ हमने एक्चुअल जो हीरो था वहाँ का, उस हीरो की एंट्री नहीं करवाई है। अभी हम करवा देते हैं, जो हीरो था हिटलर, हिटलर की एंट्री करवाते हैं। पता है आपको, जो किसी मूवी में हीरो की एंट्री होती है तो बड़ी धमाकेदार एंट्री करते हैं। ठीक है, तो आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में हम एक्चुअल जो हीरो है आपके इस फिल्म का, नाजिज्म जो फिल्म है, राइज ऑफ हिटलर है, उस हिटलर का की एंट्री करवाते हैं। ठीक है, तो अब हम धीरे 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 धीरे, आपको लग रहा होगा कि धीरे धीरे हम ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं कि जर्मनी में इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, वहाँ की सोशल कंडीशंस अच्छी नहीं थी, वहाँ पर जॉब अलर्ट्स नहीं थे, मीन्स जॉब नहीं मिल रही थी, वहाँ के लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े लेवल पर हो गया था। ऐसी सिचुएशन के बाद में मीन्स सिचुएशन किसी भी एंगल से जर्मनी की ऐसी नहीं थी कि जर्मनी को सपोर्ट मिल सके। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में कोई एक हीरो, ध्यान रहे, हिटलर वाज नॉट बोर्न, हिटलर वाज मेड बाय द सिचुएशंस। हिटलर पैदा नहीं हुआ था, ध्यान रखना, हिटलर पैदा नहीं हुआ था, हिटलर तो बना था। भाई जो जर्मनी की जो सिचुएशंस थी, उन सिचुएशंस को देखकर हिटलर के अंदर ऐसी पैट्रियोटिक जो फीलिंग्स थी वो आ गई थी कि मुझे एनी हाउ अपने देश की का जो जो हरास और ह्यूमिलेटेड जो पीस ट्रीटी, जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस हुई थी, उसका बदला लेना है। जो हमारी सिचुएशन है इटली की, सॉरी जर्मनी की, अभी उस जर्मनी की सिचुएशन को, उस सिचुएशन से जर्मनी को बाहर निकालना है एनी हाउ। ठीक है, अब देखो इसमें, अब यहाँ पर बेटा जैसे मैं आपको हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन कल बता चुकी हूँ कि भाई जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उसकी कंडीशन, उसकी वजह क्या थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम पढ़ते हैं, देखो यहाँ बेटा ध्यान रखना, ये जो टॉपिक मैं करवा रही हूँ ये एनसीईआरटी की बुक में से करवा रही हूँ, तो जो पॉइंट मैं बताऊँगी यहाँ से नोट करना है वो नोट करते जाइए, पूरे चैप्टर को समराइज कर रखा है मैंने। तो अब जैसे ग्रेट द ईयर ऑफ द डिप्रेशन है, ये सिर्फ समझने के लिए है, ये लिखना नहीं है। ठीक है, ये लिखना नहीं है, इसमें सिर्फ ये समझना है कि जो ग्रेट ईयर, द ईयर ऑफ डिप्रेशन है वो क्या था, भाई महामंदी का जो दौर था वो क्या, कौन सी ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से ऐसी कंडीशंस वहाँ पर क्रिएट हुई। ठीक है, देखो इसमें है यहाँ पर, स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द 1924 to 28 वॉज बिल्ड ऑन सैंड ड्यू टू दावेस प्लान। ध्यान रखना भाई, वहाँ पर जो जर्मनी में जो 1924 से 1928 के बीच में जो स्टेबिलिटी आई थी वहाँ की इकोनॉमी में, वो किसकी, किस पर बनी हुई थी बेटा, सैंड पर, मीन्स बालू के टिल्ले पर। भाई बालू के टिल्ले पर मीन्स यहाँ पर कोई मिट्टी पर जर्मनी बनी हुई नहीं थी, मतलब ये है यहाँ पर कि वहाँ जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी वो इनस्टेबल थी, सैंड मीन्स स्थाई नहीं थी। ठीक है, क्योंकि उसी में दावेस प्लान के अंडर में जर्मनी को कुछ पैसा दिया था, किसने बेटा, अमेरिका ने। ठीक है, जर्मनी रिकवर बाय द शॉर्ट टर्म लोन बाय यूएसए, दावेस प्लान को मैंने अंडरलाइन करके लिखा है,
जर्मनी रिकवर बाय द शॉर्ट टर्म लोन बाय यूएसए। मींस जर्मनी को क्वेश्चन वन वर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अमेरिका ने किस प्लान के अंडर में जर्मनी को लोन दिया था, किस प्लान के अंडर में, दावेस प्लान के अंडर में, ठीक है। बट इन यूएसए वॉल स्ट्रीट, अब देखो क्या हुआ, कंडीशंस ऐसी क्रिएट हो जाती है। मान लो आपने भाई किसी बनिए से पैसे ले रखे हैं, भाई आपने किसी किसी से पैसे ले रखे हैं, अब उस बनिए की कंडीशन ही ऐसी है कि उसके पास ही पैसे नहीं है, तो अब वो बेचारा क्या करेगा ऐसी सिचुएशन में, क्या करेगा भाई, आपको पैसे देने से मना कर देगा, कह देगा भाई मैं आपको कहाँ से दूँ, मेरे पास तो खुद ही पैसे नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अब वो क्या करता है, यहाँ पर वो देखो यूएसए जर्मनी को पैसे दे रहा था, बट यहाँ पर यूएसए की ही जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है, जो एक्सचेंज जो मीन्स यहाँ जहाँ पैसे का बहुत बड़े लेवल पर एक्सचेंज होता है, लेन देन होता है, क्रैश्ड इन 1929, वो कोलैप्स हो जाती है, गिर जाती है 1929। ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शेयर मार्केटिंग है, ये है, ये शेयर्स होते हैं किसी भी कंपनी के, अपने शेयर्स होते हैं, वो शेयर्स को बेचना खरीदना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो वहाँ की जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है, वो वर्ल्ड की ही सबसे बड़ी एक्सचेंज है बेटा, ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ की है, यूएसए की। वन वर्ड के लिए ध्यान रखना, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है वो कहाँ की है, यूएसए की, जो 29 में कोलैप्स हो गई थी। और उसी में पीपल सोल्ड देयर शेयर फियरिंग ऑफ फॉलिंग द प्राइसेस, और लोगों ने शेयर्स बेच दिए थे उसके वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में, शेयर्स बेच दिए थे किस डर से कि भैया प्राइसेस बहुत जल्दी गिरने वाले हैं, इस डर से। नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाय द हाफ, यूएसए की जो नेशनल इनकम थी ना, वो गिरकर आधी रह गई थी भाई 1929 से, गिरकर वो देखो यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर नहीं है, मीन्स जो यूएसए की जो इकोनॉमी थी जो पहले बहुत ज्यादा थी, उसे गिरकर 1929 तक आते आते हाफ रह गई थी, ठीक है। इफेक्ट वाज फेल्ट वर्ल्ड वाइड। और जो अमेरिका की जो इकोनॉमी डाउन जा रही थी, और वो अमेरिका की इकोनॉमी डाउन जाने का जो इफेक्ट था, वो पूरी दुनिया पर दिखने लग गया था। यहाँ पर ऑन 24 अक्टूबर 1929 एक ही दिन में 13 मिलियन जो शेयर थे ना, वो बिक चुके थे वहाँ पर, ठीक है। इसलिए जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज थी यूएसए की, वो गिर क्या हो गई थी बेटा, क्रैश हो गई थी, डाउन चली गई थी, गिर गई थी, बर्बाद हो गई थी, ठीक है। तो जो जो ग्रेट ईयर ऑफ डिप्रेशन है, वन वर्ड के लिए इसमें भी पूछा जाता है भाई कौन से साल को बोला जाता है ग्रेट ईयर ऑफ डिप्रेशन, 1929 को, ठीक है, 1929। अब उसके बाद में देखो बेटा, ग्रेट ईयर ऑफ डिप्रेशन जो मैं पहले बता चुकी हूँ, बट उसके बाद में इकोनॉमिक क्राइसिस हैड, ये क्वेश्चन ये बनेगा, इकोनॉमिक क्राइसिस हैड ए डीप इम्पैक्ट ऑन जर्मनी या जर्मन इकोनॉमी, हाउ। जो ये जो जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, इसने जर्मनी पर बहुत डीप इम्पैक्ट डाला था, वो इम्पैक्ट थे, या राइट द इम्पैक्ट ऑफ द ईयर ऑफ डिप्रेशन ऑन द जर्मन इकोनॉमी, भाई जर्मन इकोनॉमी पर, जो इकोनॉमी पर जो ये ग्रेट डिप्रेशन के जो इम्पैक्ट थे, वो क्या पड़े थे, क्या पड़े थे। अब देखो यहाँ क्वेश्चन ये है, ये लिखना है और ये याद करना है आपको, लिखना तो सब कुछ ये लिख सकते हो, बट बाकी याद ये वाला करना है, ये चैप्टर को समझाने के लिए है, ये याद करने के लिए है। यहाँ पर क्या है बेटा, इंडस्ट्रियल क्या इम्पैक्ट पड़ा था वहाँ की जर्मनी की इकोनॉमी पर, जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज हो गई थी, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज थी वो बर्बाद हो गई थी, और जर्मनी को पैसा मेनली वहीं से मिल रहा था अपने डेवलपमेंट के लिए। इससे पहले वाले में मैंने आपको बताया था जर्मनी के मार्क की वैल्यू थी बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी, करोड़ों करोड़ों मतलब वो पैसे लेके जाते थे और खाने पीने का सामान लेके आते थे। यहाँ पर अब देखो वो उस कंडीशन का जर्मनी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस्ड टू 40% अप, ये 1932 तक, 1929 से 1932 तक आते आते जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो हाफ रह गया था, 40% रह गया था। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, वर्कर्स की जॉब चली गई थी, देवर पेड रिड्यूस्ड वेजेज, उनको बहुत कम वेजेज दिया जाने लग गया था, या वेजेज जो दिया जा रहा था पहले से वो घटा दिया गया था, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट 6 मिलियन, मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट इतने बड़े लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था। क्रिमिनल एक्टिविटीज इंक्रीज्ड, भाई जो क्रिमिनल एक्टिविटीज थी, किसी को मारना पीटना छीनना किसी चीज को, ठीक है, ये सारी घटनाएं थी वो बहुत बड़े लेवल पर बढ़ गई थी। फॉलिंग वैल्यूज करेंसी, जर्मन मार्क की वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा गिर गई थी।
इनकम एंड सेविंग ऑफ द पीपल डिमिनिस्ड, भाई इनकम थी, सेविंग थी, वो सब कुछ क्या हो गई थी, गिर गई थी, घट गई थी, बिजनेस गॉट रून, बिजनेस बर्बाद हो गए थे, फॉल इन द एग्रीकल्चरल प्राइस अफेक्टेड द पीजेंट्री, भाई पीजेंट्री जो मीन्स जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी उस टाइम पर, वो किसी भी देश की वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का प्राइस गिरने की वजह से पीजेंट्री मीन्स एग्रीकल्चर जो हमारा प्रोफेशन था वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया था। ठीक है, एक ये जो नया वर्ड है बेटा, ये वन वर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रोलेटरलाइजेशन। ठीक है, ये वन वर्ड के लिए बहुत एक आध बार पूछा तो नहीं गया है, पर पूछा जा सकने की पॉसिबिलिटी है भाई, तो इसको याद जरूर कर लेना, मैंने यहीं पर लिख दिया है ये है क्या। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, टू बिकम इम्प्रूविस्ड द लेवल ऑफ द वर्किंग क्लास, टू मीन्स यहाँ पर ये लिविंग स्टैंडर्ड गोइंग डाउन, भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी जर्मनी में कि सभी लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो बढ़कर डाउन चला गया था, अपने लेवल से नीचे चला गया है जो पहले था। ठीक है, ये एक बीच में वैसे वर्ड याद करना है, बाकी यहीं से फिर कंटिन्यू इसको रखते हैं। The problems of economic crisis had changed the political atmosphere of the Germany. ये जो conditions थी, ये conditions जो economic crisis की वजह से Germany में create हुई थी, इसकी वजह से वहाँ की जो political atmosphere था ना Germany का, वो भी बहुत ज़्यादा change हो गया था, बहुत ज़्यादा change हो गया था। अब देखो इसमें क्या है, अब इसी सिचुएशन को जो पॉलिटिकली जो सिचुएशन थी वो ख़राब किस तरह से हुई थी, भाई जो इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो रही थी, लोगों के पास नौकरी नहीं थी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सारा गिर गया था, लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े लेवल पर हो गया था, भूखमरी फैल गई थी, इन सारी चीज़ों को जो आपकी वाइमर रिपब्लिक थी, वाइमर रिपब्लिक उस सारी चीज़ को हैंडल कर ही नहीं पा रही थी, तो लोगों के दिमाग में आया कि भाई ऐसी सिचुएशन हो रही है, उस सिचुएशन में वाइमर रिपब्लिक क्या कर रही है, तो वाइमर जो रिपब्लिक थी वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी, सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, क्यों, क्योंकि वाइमर रिपब्लिक में खुद में ही कुछ प्रॉब्लम्स थी, इनहेरेंट डिफेक्ट उसमें, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अंदर जो लिखा गया था उसमें अंदर खुद की ही कुछ प्रॉब्लम्स थी, और वो प्रॉब्लम्स क्या थी, देखो पहला तो ये पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वाइमर जो रिपब्लिक था वहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था। अच्छा, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, मान लो किसी इलेक्शन में 5 पार्टी हैं, 1, 2, 3, 4, 5 5 पार्टी हैं, तो यहाँ इसको मिला 5%, इसको मिला 8%, इसको मिला 15%, इसको 20% और इसको 35%, तो इनका कोई भी पार्टी पार्लियामेंट में जाने से रिजेक्ट तो हो ही नहीं सकती, चाहे 5% वाली है ना, वो 5% वाली भी पार्लियामेंट में जाके बैठ जाएगी, 35% वाली भी, 5% वाली भी, हालांकि जो जो डिसीजंस लिए जाएंगे उसमें 5% वाली की कुछ कम चलेगी, 35% जिसकी है उसकी कम मिलेगी, कम उसकी वो डिसीजन ज़्यादा ले पाएगा 35% वाला। इसका मतलब है कि जो भी पार्टियां हैं वो सारी मिल के पार्लियामेंट में जाएंगी, तो यहाँ पर क्या था, प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन था, नो पार्टी कैन अचीव दी मेजोरिटी, भाई कोई सिंगल पार्टी तो है नहीं, सारी पार्टी पार्लियामेंट में जा रही है, सारी पार्टी डिसीजन ले रही है, ऑलवेज रूल बाय कोलेशन, मीन्स कोलेशन मीन्स सारी पार्टियों का मिला जुला, जब कोई एक सिंगल पार्टी डिसीजन मेजोरिटी में ना आए और सारी पार्टीज डिसीजन ले, तो उसको बोला जाता है बेटा कोलेशन पार्टी, कोलेशन गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है, तो उस टाइम जर्मनी में कोलेशन की गवर्नमेंट बनती थी, भाई वाइमर जो रिपब्लिक था, वाइमर रिपब्लिक में मीन्स वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया था कि कोई सिंगल पार्टी मेजोरिटी से नहीं आ सकती, सभी को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ठीक है, दूसरा एक वहाँ जो वाइमर रिपब्लिक का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सेकंड पॉइंट क्या था जो बहुत गलत था, तो ये गलत था बेटा, वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी गलत था। यहाँ पर आर्टिकल 48 ये क्या कर रहा था, गिव प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट द पावर टू इम्प्रूव एन एमरजेंसी, भाई यहाँ पर सारी पावर उसने किसको दे दी थी, प्रेसिडेंट को, टू इम्पोज इम्प्रूव नहीं सॉरी इम्पोज इमरजेंसी, इमरजेंसी को लागू कर सकता है, सस्पेंड सिविल राइट्स, सिविल राइट्स मीन्स नागरिकों को जितने भी अधिकार देने थे उन सारे अधिकारों को कैंसिल कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है अंडर रूल ऑफ डिक्री। रूल ऑफ डिक्री का मतलब होता है बेटा कोई रिटर्न में रूल लेने की जरूरत नहीं है, जो पार्लियामेंट में जो डिस्कस हो और फिर उसके बाद में उस रूल को लागू किया जाए, वे पेपर पर कुछ लिख दिया प्रेसिडेंट ने, वो लॉ बन गया, कानून बन गया। तो ऐसे कुछ कानून थे, ये आर्टिकल 48 था
वाइमर रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो उसको बहुत ज़्यादा राइट्स दे रहा था प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो इस कंडीशन की वजह से, वाइमर के इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और आर्टिकल 48 की वजह से जर्मनी की वल्नरेबल कंडीशन से डिक्टेटरशिप की तरफ जाने लग गया है। भाई जर्मनी की कंडीशन वल्नरेबल हो गई कि भाई कॉमन पीपल्स के पास तो कोई राइट्स ही नहीं थे और डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही थी। तो उस डेमोक्रेसी के टाइम पर कोई ऐसा आदमी बन रहा था, और वो आदमी कौन बन रहा था बेटा? वो आदमी बन रहा था हिटलर। हिटलर पैदा नहीं हुआ था, ध्यान रखना, हिटलर तो बना था सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ने लगे थे, बिकॉज पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस, क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था कि भाई डेमोक्रेसी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कुछ इम्प्रूव करेगा, वो सब खत्म हो गया था। तो ये कुछ सिचुएशन थी, इनहेरेंट डिफेक्ट थे वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक। यहाँ आपका, यहाँ तक जो मैंने आपको बताया है, यहाँ तक आपका एक जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। अब सेकंड टॉपिक आपका स्टार्ट होता है राइज ऑफ हिटलर, जो हम बहुत देर से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई राइज ऑफ हिटलर, भाई हिटलर ही तो मेन हीरो रहे, हीरो की एंट्री नहीं करवा रहे हैं। चलो तो अब हम हीरो की एंट्री करवा रहे हैं,